तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारे पास में है भाई सलाम अलैकुम। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारे पास में यहाँ पर एक काइट जिसको आप लोग देख सकते हो और उसी के साथ हमारे साथ में यहाँ पर है काफ़ी ज़्यादा रील्स जो कि आपके सामने इंस्टाग्राम वाली नहीं भाई धागे वाली रील। और आज की इस वीडियो के अंदर हम फिर से करने वाले हैं एक पागलपन। हम क्या करने वाले हैं कि सिंपल इस काइट को भेजने वाले हैं भाई आसमान की गहराइयों में। तो भाई हम देखने वाले हैं कि भाई मैक्सिमम हमारा ये काइट कितनी हाइट तक जा सकते हैं। हम इसको अनलिमिटेड रील्स देते रहेंगे और देखने वाले हैं कि भाई ये मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा। आज मौसम भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है तो चलो फिर अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या हमारा काइट स्पेस में चला जाएगा, आसमान पर चला जाएगा, वापस आएगा या फिर नहीं, या फिर ये कितनी हाइट तक जाएगा। तो चलो फिर इसको आसमान की गहराइयों में भेजते हैं। ये अपनी फर्स्ट रील और यहाँ पर आप देख सकते हो अपने काइट के ऊपर कितना अच्छे से भाई लिखा हुआ है द एक्सपेरिमेंट मास्टर वाइट। तो चलो भाई हवा भी आज काफ़ी ज़्यादा तेज़ है और उम्मीद है कि भाई अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेसफुल रहेगा। तो जल्दी से मैं जो हूँ इसके ऊपर यहाँ पर धागे को बांध लेता हूँ। तो इसको हम यहाँ पर से सिंपल ओपन कर लेते हैं कुछ इस तरीके से और ये रही भाई अपनी रील। तो ये कुछ ज़्यादा भी मतलब डेंजरस भी नहीं है ज़्यादा, बट अपने लिए जो है बस बेस्ट है, अपना काम चलाएगी। तो चलो इसको मैं यहाँ पर अच्छे से बांध लेता हूँ ताकि ये टूटे ना बाद में। तो भाई साहब अपना काइट जो है फाइनली अभी उड़ चुका है। मैं आपको एक दफ़ा कैमरा उतार के यहाँ पर से दिखाता हूँ। तो भाई साहब अभी जो है अपना काइट भाई आसमान पे जा चुका है, मैं आपको दिखाने की ट्राई करता हूँ। तो वहाँ पर आप सामने देख सकते हो। तो चलो अब इसको रील देना शुरू करते हैं और इसको अनलिमिटेड रील देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भाई साहब एक हाथ से भाई पूरा काइट कंट्रोल कर रहा हूँ और कैमरा भी। अब एक गिर जाएगा कि गिर जाएगा एक। गाइज अपना काइट बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से क्रैश हो चुका है। हार नहीं मानेंगे, एक दफा और ट्राई करते हैं। अगर ये काइट देखते हैं मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो नया काइट ले आते हैं और दोबारा से कहीं बाहर चलते हैं अब वीडियो के लिए, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है और हवा भी आज काफी ज्यादा तेज है। इस उम्मीद पे आज जीतेंगे। मुझे अपने घर जाना है। तो भाई लोगों इस टाइम पे दो रील्स अपने काइट से बन चुकी हैं। तो तो यार दो रील्स जो मैंने बांध दिया, मैं आपको कैमरा उतार के दिखाता हूँ। तो भाई साहब अपने लिए काइट उड़ाना भाई काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका था, बट काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद, काफ़ी ज़्यादा काइट्स क्रैश करने के बाद अभी जो है फाइनली अपना काइट उड़ चुका है। तो मैंने पहले वीडियो नहीं रिकॉर्ड की, मैंने कहा यार पहले इसको हम अच्छे से उड़ा लें फिर वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। अभी एक रील इसको पूरी मैं दे चुका हूँ और दूसरी रील लगभग जो है हाफ मैं इसको दे चुका हूँ। तो यहाँ पर आप देखो भाई किस तरीके से रील मांग रहा है भाई ऊपर। तो भाई काफ़ी तगड़ा काम चल रहा है। तो चलो इसको और ज़्यादा हाइट पे भेजते हैं और देखते हैं भाई क्या कुछ हमें मेन सीन्स देखने को मिलते हैं। तो भाई साहब लगभग एक रील के अंदर जो है 900 मीटर के करीब धागा होता है और दूसरी रील जो है काफ़ी ज़्यादा जा चुकी है इस तक। यारों एक रील में तकरीबन जो है 900 मीटर के करीब जो है धागा होता है। तो यानी कि अभी ये लगभग लग गई उंगली पे। हाँ तो यार अभी ये लगभग अपना काइट जो है एक रील पूरी और एक आधी यानी कि एक किलोमीटर से ज़्यादा आगे जा चुका है। तो भाई साहब वो देखो भाई काइट अभी बिल्कुल भी मुझे भी ठीक से नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल छोटा सा यार एक डॉट सा बस नज़र आ रहा है। और अभी भी देखो दूसरी रील भाई कितनी ज़्यादा पड़ी हुई है, वो मैंने तीसरी जो है एक ओपन करके रखी है भाई, अगर हमें अर्जेंटली ज़रूरत पड़े तो हम उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो भाई साहब भाई मज़ा आ गया भाई इतना दूर काइट भेजा। तो ये देखो भाई साहब किस तरीके से भाई रील मांग रहा है अपना काइट। और अभी भी यार ये देखा है सारी की सारी अब ये ना धागा यहाँ पर से आपको नज़र आएगा लमकने लग पड़ा और ये सामने छत पे मुझे डरा कि भाई ना टकराए और फ्रिक्शन की वजह से धागा टूटे ना बस, बाकी तो कोई नहीं भाई मसला। और भाई गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और चलो अपने काम में अपने मिशन में हम जारी रहते हैं।
तो दोस्तों अभी तक तो मैं इसको लगातार रील दे रहा था, बट अभी मैं थोड़ा सा रील को पीछे को खींच रहा हूँ ताकि पतंग जो है वैसे ऊपर को आ जाए थोड़ा सा और अच्छे से रील लेने लगे, वरना ये जो है सारी की सारी रील लमकाई जा रहा है यार। लगभग भाई इस वीडियो के चक्कर में मैं अपने 7-8 पतंग तो भाई क्रैश करा चुका हूँ। कभी कैमरा पकड़ता था पतंग गिर जाता था, पतंग पकड़ता था कैमरा गिर जाता था। भाई अभी पहले तो पतंग मेरे से जो है रील मांग रहा था काफ़ी ज़्यादा, बट अभी देखो ये बिल्कुल स्लो स्लो भाई रील लेके जा रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्योंकि भाई अब रील का भी वज़न है ना, धागे का भी वज़न होता है, तो काफ़ी ज़्यादा वज़न हो चुका है जिसकी वजह से धागा लमक रहा है नीचे बार बार। और भाई सारे मल्ले वाले भी सोच रहे होंगे भाई ये कौन सा पागल इतनी गर्मी में पतंग उड़ा रहेगा। सो भाई अगेन जो है पतंग गिरने लग पड़ा है। यहाँ पर से मैं भी इसका कोई हल्का फुल्का सा नज़र आ जाए सीन नहीं। गाइस काइट जो है ये देखो भाई गिर चुका है इस टाइम पे अपना पतंग गिरा भाई रील। जैसा कि मैंने आपको बोला था ना कि भाई ये वहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से टूट सकती है, सेम वही काम हो चुका है कि रील वहाँ पे लगी हुई है और पतंग अपना बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से गिर चुका है। सो गाइस अपना जो है रिजल्ट्स तो हमारे सामने आ गए यार, बस काइट जो है अपनी दोबारा से वही क्रैश हो गया। तो बहरहाल बाकी जो है यार काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी, काफ़ी ज़्यादा काइट्स हमारी ज़्यादा हुई, काफ़ी ज़्यादा काइट्स भाई कोई किधर जाके लगी, कोई फट गई काइट, कोई उड़ गई, कोई टूट गया किसी का धागा। अभी हमने एक काइट उड़ाई थी भाई उसका धागा ही टूट गया था और वो मैं मतलब उसकी उस टाइम अर्जेंटली मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सका, कैमरा बंद पड़ा हुआ था। मैंने कहा था यार थोड़ा उड़ता था फिर आपको दिखाते हैं। बहरहाल अभी हम अगर इस काइट की बात करें, मेरी जो सोच थी वो तो यही था भाई हम अनलिमिटेड धागा देते रहेंगे, रील देते रहेंगे और फिर देखेंगे कि भाई हमारे पास क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो एक रील के अंदर अबाउट 900 मीटर तक धागा होता है और 1000 मीटर पे 1 किलोमीटर कंप्लीट होता है। तो जैसा कि हमने थंबनेल में लिखा था भाई 1 किलोमीटर तक हम भेजेंगे काइट को, तो तकरीबन अभी जो है अपना जो काइट था वो 1800 to 1900 मीटर तक गया, क्योंकि भाई किधर गई दूसरी रील। भाई ये मैं आपको दिखाने की ट्राई करता हूँ। भाई ये लगभग कोई 50 मीटर के करीब आप कह सकते हो ये धागा इसके ऊपर मौजूद होगा, बाकी सारा धागा जो है वो अपना काइट तो भाई ले गया। और अब क्या हुआ कि भाई बेसिकली जब हमारा काइट गया आसमान पे तो क्या होने लगा, जो जैसे जैसे पीछे से धागा बढ़ता जा रहा था, धागे की लेंथ बढ़ी थी, वैसे वैसे इसका वज़न भी तो बढ़ा था ना धागे का, तो भाई अपना काइट उस वज़न को बैलेंस नहीं कर सका और वो जो धागा है नीचे लमकने लगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई ये जो छत है भाई इसके साथ मुझे डर था कि भाई लग के फ्रिक्शन से हमारा धागा ना टूट जाए और काइट गिरे ना, तो वैसा तो नहीं हुआ कि हमारा धागा मतलब थोड़ा बहुत टच हुआ, बट मैंने उसको कंट्रोल कर लिया। बट एट द एंड फाइनली हमारा क्या हुआ भाई, जो एंड पे हमारा काइट था उसकी भाई टेंट है फूस हो गई भाई, वो तो गिर गया भाई काइट वहीं पर था। और आप लोगों से एक और बात, अगर आप लोग चाहते हो कि भाई अभी तो मैंने ये छत पे अकेले ट्राई किया, मैं कोई अपने साथ कैमरामैन और सब कुछ असेंबल करके कहीं बाहर जाऊं जहाँ पे सही तेज़ हवा हो, खुला मैदान हो और वहाँ पे हम इस चीज़ को ट्राई करें और बड़े से काइट के साथ भी अनलिमिटेड रील दे के देखें कि भाई कैसे क्या भाई वहाँ पर भी ये इतना ही दूर जाएगा या इससे ज़्यादा दूर जाएगा और वहाँ पर हमें कैसा देखने को मिलता है सीन, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, हम इसको ज़रा बड़े लेवल पर भी ले जाएंगे। तो बस अभी के लिए था यही, मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल और खुदा हाफिज़।